मेरा नमस्कार। मैं लगभग इंटायर पूरा जम्मू कश्मीर यूटी जो है उनके सरपंच को कुछ प्रमुख बुलाकर कुछ इशू जन के यहाँ पे उभरे हुए हैं उस पर जिनकी बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से गत पिछले वर्ष 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और हर प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इस वर्ष भी 1,08,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू की भलाई के लिए दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार जम्मू में सेक्रेटरी में, सचिवालय में हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिस प्रकार उन्हें कार्य करना चाहिए, अगर केंद्र सरकार पूरी तरह जम्मू के लिए खजाने खोल कर रखी हुई है तो उन सब विषयों को पूरा करने का प्रयास करें। इशू एक नहीं अनेक हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनका सलूशन ढूंढना, ये इनका ड्यूटी बनता है, इनका कर्तव्य बनता है। किंतु हम सब जम्मू कश्मीर ड्यूटी वालों का दुर्भाग्य बन रहा है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से, ना तो इन्हें जम्मू कश्मीर की परिस्थिति पता है, जम्मू कश्मीर के लोकेशन का पता है, ना जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में इन्हें कोई यानी कि हमदर्दी है। इसलिए कोई भी इशू को यानी कि ठीक सॉर्ट आउट करना, सोल्यूशन ढूंढना, समाधान करना, ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। और 4-5 जन के ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ठान कर रखा हुआ है कि केंद्र सरकार की जितनी भी यानी कि उपलब्धियाँ होंगी, केंद्र सरकार जो भी करना चाहता है उसे कैसे फेल किया जाए। वो केंद्र सरकार के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे एलजी नए आए हैं, 5-6 महीने हो गया है, उनको मालूम नहीं है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से। ये इशू केवल मात्र आपके प्रेस के माध्यम तक नहीं रहेगा, इसको मैं चाहता हूं कि ब्लॉक वाइज जहां पे जाया जाए वहां पे लोगों की समस्याओं को सुना जाए। सुनने के बाद 18-19-20 3 दिनों में से किसी दिन की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जिनके मुलाकात की जाए और इन इशू को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि वह भी बहुत पुराने लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का काम किया हुआ, उन्होंने समाधान किया हुआ है, वो जानते हैं समस्याओं का कैसे निदान करना चाहते हैं, वो भी जानते हैं। वो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ध्यान में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए लेकिन जहाँ पे जो सेक्रेटरेट में बैठे हुए राय हमारा ये बनकर बैठे हुए हैं यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, उसकी खातिर ये सारे के सारे मामला खराब हो रहा है। एक मुद्दा अगर जिस प्रकार से कई दिनों से उछल रहा है मनरेगा का, पिछले 14 से लेकर और 21 तक लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर जन के पैसा उनका बनता है।
मैं उसके सामने गेट बने हुए थे जो ठेकेदार जिनको कहते हैं वो ठेकेदारी सिस्टम जहाँ पे नहीं है, तो है 40:40 यानी 40% यानी कि मटेरियल लगेगा, 60% यानी कि लेबर लगेगी। क्या मटेरियल ज़्यादा लग सकता है, लेबर कम लगेगी, ये उन दोनों के अप्रूवल के बाद सारी चीज़ें होती हैं। 1000 करोड़ से ऊपर जो पैसा फंसा हुआ है वो किसका है, वो जनता का है, उसको पैसा नहीं मिला। रिपोर्ट रहे हैं ये केवल मात्र जम्मू नहीं, कश्मीर में भी वैसा ही हाल। इसलिए मैंने कहा एंटायर जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ जात पात की बात नहीं हो रही, जहाँ जातिवाद की बात तो नहीं हो रही, जहाँ क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं हो रही। हम चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो डेवलप हो, और अच्छी अच्छी तरह डेवलप हो सकती है। ब्लॉक को किया कहा गया था 68 बंकर जो है वो बनाने हैं ब्लॉक में, एजेंसी के थ्रू यानी कि बनवाए गए ठेकेदार द्वारा बनाए गए, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी के मेहता साहब ने उसे रोक दिया। उनका पैसा भी यानी कि कई वर्षों से यानी कि पड़ा हुआ है। इस प्रकार दूसरे पर इल्जाम मढ़ना, रूरल एंड पंचायत सेक्रेटरी पर डाल दिया या डीसी पर डाल दिया, इन सब पे डालने के बाद अपने आप को कैसे बचते। और मैं तो चाहता हूँ खासकर जितने भी ये एजेंसीज हैं, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे जेई हो, बीडीओ हो, एई हो, एक्सिन हो, एसीडी हो, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हो, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए।